नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गांव-गांव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेठी में इस योजना के तहत बने सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। करोड़ों रुपए के खर्च करने के बावजूद सामुदायिक शौचालयों में लटक रहे ताले, विभागीय दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सामुदायिक शौचालय चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, रखरखाव के लिए जारी होती है धनराशि, फिर भी शौचालयों में लटक रहे हैं ताले, विभागीय दावों की खुली पोल, ग्रामीण कर रहे मुश्किलों का सामना, भ्रष्ट अधिकारियों पर कर रहे कार्रवाई की मांग। कब होगी भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई? जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत गांव-गांव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेठी में इस योजना के तहत बने सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी सामुदायिक शौचालयों में ताले लटक रहे हैं, विभागीय दावों की पोल खुल रही है। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए बंद पड़े सामुदायिक शौचालय के रखरखाव के लिए लाखों रुपए की धनराशि प्रतिमाह खर्च की जा रही है। दरअसल एक तरफ जहां हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बनाकर सरकार बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनपद के भ्रष्ट जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत के चलते ज्यादातर सामुदायिक शौचालय पर ताले लटक रहे हैं। अगर कहीं पर ताला खुला भी है तो वहां गंदगी का भारी अंबार लगा है। स्थानीय लोगों को आज भी सामुदायिक शौचालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, और तो और घर की बहू बेटियों को भी खुले में शौच जाना पड़ता है, जिसे नाराज ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बंद पड़े शौचालय को गिरवा दे या फिर उन्हें कागज पर ही नहीं धरातल पर भी चालू रखने के कोई ठोस कदम उठाए। ग्रामीणों की मांग है कि बंद पड़े शौचालय में जिस तरह सरकार धन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा रखरखाव और सफाई के नाम पर निकाला जा रहा है, वो गलत है। उन भ्रष्ट अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई करते हुए धनराशि की वसूली की जाए, और साथ ही कई जगह शौचालय के रखरखाव का जिम्मा संभाल रही समूह की महिलाओं का कहना है कि कई माह से उनका मानदेय नहीं मिल रहा है। कहाँ जाए थे? जब ताले लाग है तो कहाँ जाए? रोड पर जाए तो नहीं, खेत में चला जाए तो बगिया में चला जाए तो कबो कबो पेट पिलान तो यही रटवे भाग मारी थे, यही पकड़ लिया है। क्या करी? इसमें है 3 महीना का मेरा बैलेंस मिला है, उसके बाद 13 महीना का मेरा बैलेंस नहीं मिला। 13 महीने से पैसे नहीं मिले आपको? नहीं। तो इसके लिए शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत की है मैंने। किससे की? प्रधान से जी। और किसी से? सेक्रेटरी से या जिलाधिकारी से? किसी की से? ब्लॉक से। तो क्या कहा गया? क्या कहा गया कि अभी मिलेगा लेकिन मिल नहीं रहा है। सामुदायिक शौचालय DPRO श्रीकांत यादव ने बताया कि जिले में कुल 682 सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, और सभी के रखरखाव और संचालन के लिए धनराशि प्रतिमाह जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जहां पर लापरवाही सामने आती है वहां पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केयर टेकर को प्रतिमाह 6,000 मानदेय और संचालन के लिए प्रति शौचालय 3,000 रुपए निर्धारित है, जो हर महीने जारी किया जा रहा है। साथ ही साथ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां पर शौचालय बंद पाए गए हैं वहां पर कार्रवाई की जाती है, संबंधित सचिव को नोटिस दी जाती है और कई मामलों में रिकवरी भी कराई गई है। अमेठी जनपद में कुल कितने सार्वजनिक शौचालय हैं और कितने का भुगतान हो रहा है? सभी जनपद के सभी विकास खंडों में जो है कुल 682 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हर ग्राम पंचायत में ये बनाया गया है, और सभी में जो है मानदेय का भुगतान कराया जा रहा है। अगर कहीं कोई सामुदायिक शौचालय क्रियाशील नहीं पाया जा रहा है या केयर टेकर द्वारा कोई लापरवाही की जा रही है तो उसके मानदेय भी रोकने के लिए कार्रवाई करते हैं।
अब देखने वाली बात ये होगी आखिर प्रशासन कब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करता है और कब बंद पड़े शौचालय खोले जाते हैं ताकि ग्रामीणों को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े। दिस रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।